हेलो एंड वेलकम बैक। एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल ओके इंग्लिश अकेडमी पर। और आज की इस वीडियो में मैं आतिफ आरफी हाजिर हूँ आपके लिए आपका अगला चैप्टर आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड की क्वेश्चन आंसर के साथ। मैं आपको बता दूं कि मैं लगभग हर एक चैप्टर की सारी चीजें बनाता हूँ, चाहे वो लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन हो, क्वेश्चन आंसर हो, समरी हो, या फिर ऑब्जेक्टिव हो। हर तरह की वीडियोस आपको मिल जाएंगी बड़े ही शानदार प्रेजेंटेशन के साथ। ये प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट का प्रेजेंटेशन होता है और सबसे बड़ी खूबी होती है हमारी वीडियो की कि मैं इसमें डिजिटल पैन का यूज करता हूँ ताकि आपको मैं उस फिर वर्ड को समझा भी सकूँ आसानी से लिख करके। और दूसरी चीज ये कि चाहे क्वेश्चन आंसर हो या समरी हो, जो भी हो, इस सब की हिंदी भी आपको मिल जाया करेगी, या लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन हो उसकी भी हिंदी आपको मिल जाया करेगी हमारी इस वीडियो में। तो आप अगर बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं, इस साल एग्जाम दे रहे हैं, तो आपके लिए ये वाला चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ देखें कि हर एक क्वेश्चन को मैंने इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में भी समझाया है। क्वेश्चन नंबर वन है आपका, व्हाट डू यू नो अबाउट बर्ट्रेंड रसेल, यानी आप बर्ट्रेंड रसेल के बारे में क्या जानते हैं। तो बर्ट्रेंड रसेल वॉज अ फिलोसोफर। फिलोसोफर कहते हैं दार्शनिक को, मैथमेटिशियन, हिस्टोरियन, सोशल एक्टिविस्ट एंड एन एमिनेंट राइटर। बर्ट्रेंड रसेल एक दार्शनिक, गणितज्ञ, इतिहासकार, सामाजिक कार्यकर्ता और एक प्रसिद्ध लेखक थे। ही वॉज बॉर्न ऑन 18th of May 1872 एंड डाइड ऑन 2nd February 1970। उनका जन्म 18 मई 1872 को हुआ था और 2 फरवरी 1970 को उनका निधन हो गया था। ही ऑल्सो वॉन द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1950। उन्होंने 1950 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार भी जीता था। ही हैज बोल्डली रिटन ऑन वेरियस टॉपिक्स लाइक मैरिज, पॉलिटिक्स, रिलीजन, साइंस, सेक्स एंड मेनी मोर। उन्होंने साहसपूर्वक, बोल्डली कहते हैं साहसपूर्वक को, यानी बिना किसी दबाव में आए हुए उन्होंने विवाह, राजनीति, धर्म, विज्ञान और सेक्स जैसा विषय जिस पर लोग लिखना जो है लिखने से कतराते हैं, ऐसे विषय पर भी उन्होंने लिखा है। हिज इम्पॉर्टेंट वर्क्स आर, उनके जो इम्पॉर्टेंट वर्क है, महत्वपूर्ण कार्य, एक लेखक का कार्य क्या होता है भाई, उसकी किताबें होती हैं। तो अगर आप उनके मुख्य कार्य की किताबों की बात करें तो वो है रोड्स टू फ्रीडम, वाई आई एम नॉट अ क्रिश्चियन, यहाँ पर स्पेस होगा, वाई आई एम नॉट अ क्रिश्चियन। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर दोज आइडियाज। ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं, शॉर्ट और लॉन्ग दोनों टाइप के क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, और इंग्लिश हिंदी दोनों के साथ हैं। आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो आप लाइक करके शेयर जरूर करेंगे। और अगर आप मेरे क्लासरूम कोर्स को करना चाहते हैं तो मैं क्लासरूम कोर्स भी कराता हूँ। उसके लिए आप जो व्हाट्सएप नंबर है हमारा ऑफिशियल, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, 9709322422, अगर आप क्लासरूम कोर्स हमारा करना चाहते हैं तो। दीज आर द फॉलोइंग कोर्स सॉरी फॉलोइंग आइडियाज विच हेल्प मैनकाइंड विद द पैसेज ऑफ टाइम। पैसेज ऑफ टाइम कहते हैं समय के साथ साथ, समय गुजरने के साथ साथ, समय बीतने के साथ साथ। ये निम्नलिखित विचार हैं जिन्होंने समय बीतने के साथ मानव जाति की मदद किया। भाई कौन कौन से विचार हैं जिन्होंने मानव जाति की मदद की है समय बीतने के साथ साथ? तो पहला है नंबर्स यानी संख्या, लैंग्वेज भाषा, यूटिलाइजेशन ऑफ फायर आग का सही इस्तेमाल, उसी को यूटिलाइज करना बोलते हैं। टेमिंग ऑफ एनिमल एनिमल्स जानवरों को पालतू बनाना, टेम मीन्स पालतू बनाना। एग्रीकल्चर कृषि, आर्ट ऑफ राइटिंग लेखन कला, लेखन शैली। अगला है, इन हाउ मेनी पार्ट्स हैज रशल डिवाइडेड द आइडियाज, यानी बर्ट्रेंड रशल ने आइडियाज को यानी विचारों को उन्होंने कितने भागों में बांटा है। बर्ट्रेंड रशल हैज डिवाइडेड द आइडियाज इनटू टू पार्ट्स, टू यहाँ पर मिसिंग है। बर्ट्रेंड रशल ने विचारों को दो भाग में बांटा है, बर्ट्रेंड रशल ने विचारों को दो भागों में विभाजित किया है। द फर्स्ट दैट कंट्रीब्यूट टू नॉलेज एंड टेक्निक्स, पहला वो है जो ज्ञान और तकनीकों में योगदान देता है। एंड द सेकंड, एंड द टू टाइम्स रिपीटेड है, एंड द सेकंड दैट इज कंसर्न विद मोरल पॉलिटिक्स, और दूसरा जो है नैतिक और राजनीति से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंजेनिटल स्किल एंड एक्वायर्ड स्किल। देखो कंजेनिटल कहते हैं भाई जन्मजात को,
ऐसा स्किल जो जन्मजात हो, यानी जन्म से ही हो किसी की पैदाइश के साथ ही, और एक्वायर्ड स्किल कहते हैं वैसा स्किल जो इंसान आकर के यहाँ सीखता है, इसका अधिग्रहण करता है, अधिग्रहित जो एक कला कौशल होती है वो। द स्किल विच अ पर्सन ओन्स, ओन्स यानी उसके वो अपनाता है या उसका मालिक होता है या उसके अंदर वो चीज होती है, पहले से ही उस पर उसका अधिकार होता है, नेचुरली सिंस हिज चाइल्डहुड, वो कौशल जो किसी व्यक्ति के बचपन से स्वाभाविक रूप से होता है। ही हैज नॉट टू सर्वाइव फॉर इट एट ऑल, मतलब उसे इसके लिए बिल्कुल भी प्रयास नहीं करना पड़ता है। स्ट्राइव मीन्स कोशिश करना, प्रयास करना, जैसे बाल का रंग भाई जन्मजात है। मसल स्ट्रक्चर यानी जो आपकी मांसपेशी है मसल, उसका स्ट्रक्चर, उसकी बनावट, शेप ऑफ फेस, चेहरे का जो है वो संरचना, उसकी बनावट, कम्प्लेक्शन, वो जो रंग है, ये सारी चीजें। और एक्वायर्ड स्किल ऐसा है जिसको इंसान आकर के यहाँ लर्न करता है, सीखता है, जैसे घुड़सवारी, तैरना, खेलना, गेम एक्सेट्रा इत्यादि। इन विच रिस्पेक्ट हैज द ह्यूमन नॉट प्रोग्रेस्ड एट ऑल, यानी मानव ने तो तरक्की की है समय गुजरने के साथ साथ, पर इनका कहना है बर्टन रसल का कि भाई कुछ रिस्पेक्ट, इट मीन्स के कुछ ऐसे पहलू हैं या कुछ ऐसे संदर्भ हैं, है ना, जहां मानव ने तरक्की नहीं की है कुछ क्षेत्र में। अभी कौन सा क्षेत्र है, तो खुश रहने का क्षेत्र है, राइटर कहना चाह रहा है। द राइटर एक्सप्लेन इट वेरी लॉजिकली दैट अ माउस हु ईट्स द ब्रेड क्रम्ब फ्रॉम एन इंटेलेक्चुअल स्टेबल व्हाइल इट स्नूजेस इज हैप्पियर देन द इंटेलेक्चुअल जेंटलमैन हु एंजॉयज अ सिक्योर इनकम। एक लाइन में मैंने इस आंसर को कंप्लीट कर दिया। देखो बंदा कहने की यहाँ पे कोशिश कर रहा है कि जैसे देखो ये एक टेबल है, ठीक है, ये एक टेबल है, समझे, और इस टेबल पे ये जो है ये रखा हुआ है, ये समझो एक टेबल है, और इस टेबल पे खाना रखा हुआ है, ठीक, ब्रेड रखा हुआ है, और एक बंदा है जो बैठा हुआ है, इसको खा रहा है, इसको खा रहा है बंदा, और एक चूहा इस टेबल के नीचे, इसको जैसे ही झपकी लगती है ये आता है उस टुकड़े को खाता है और फौरन नीचे चला जाता है। राइटर के कहने का मतलब है कि ये चूहा जो उस टुकड़े से जरा सा खा लेता है, बस पलक झपकते ही उस जेंटल आदमी के, उस सज्जन आदमी के ज्यादा खुश है इस आदमी से जो पूरा ब्रेड भी खा रहा है और बहुत अच्छी इनकम भी है, सज्जन भी है, इंटेलेक्चुअल बुद्धिजीवी भी है बावजूद उसके। इसका मतलब ये है कि इंसान ने खुशी के क्षेत्र में तरक्की नहीं की है। लेकिन इसे बहुत तार्किक रूप से समझाता है कि एक माउस यानी एक चूहा जो एक बौद्धिक व्यक्ति के झपकने पर, पलक झपकने पर उसके टेबल के से ब्रेड का टुकड़ा खाता है और उस बौद्धिक सज्जन की तुलना में अधिक खुश है जो अच्छी आमदनी भी कमाता है। व्हाट मेक्स द ग्लोरी ऑफ मैन, यानी ऐसी कौन सी चीज है जो मनुष्य की महिमा को बनाता है। ग्लोरी कहते हैं गौरव को, उसकी महिमा को, है ना, उसके यश को, ये सारी चीजें हैं, महिमा, महाकार, यश। द ओनली थिंग, केवल एक चीज विच डिस्टिंग्विशेस, यानी डिस्टिंग्विश का मतलब है अलग करना, व्यक्त करना, अ मैन फ्रॉम एन एनिमल इज हिज इंटेलेक्चुअल एंड मोरल क्वालिटीज। केवल एक चीज है जो इंसान को जानवर से अलग करती है, वो है उसका बौद्धिक और नैतिक गुण। These qualities account for the glory of man. यह गुण मनुष्य की महिमा तय करती है। यही जो गुण है इंसान का, ये जो qualities हैं, वही account for यानी तय करती हैं, वही जिम्मेदार हैं उसके लिए, मनुष्य की glory के लिए। If a man had not possessed these qualities, यानी इंसान के अंदर अगर ये बुद्धि नहीं हो, उसके अंदर नैतिकता नहीं हो, he would be parallel to brutes, तो वो भी पशुओं के समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैज सिविलाइजेशन टॉट अस, यानी सभ्यता, सिविलाइजेशन का मतलब होता है सभ्यता ने हमें क्या पढ़ाया है, लेखक के शब्दों में। सिविलाइजेशन हैज टॉट अस टू बी फ्रेंडली टुवर्ड्स ईच अदर, वेदर इन अ हर्ड और आउटसाइड द हर्ड। हर्ड कहते हैं भाई हम झुंड को। यहाँ पर राइटर के कहने का मतलब है कि सभ्यता ने हमें एक दूसरे के प्रति मित्रतापूर्ण व्यवहार करना सिखाया है, चाहे वो झुंड में हो या झुंड के बाहर। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस चैप्टर, यानी इस चैप्टर के कॉन्टेक्स्ट में, इस चैप्टर के संदर्भ में, इस चैप्टर की अगर बात की जाए, तो इट हैज टॉट अस टू सपोर्ट आवर एल्डर वंस, तो इसने हमें अपने बुजुर्गों का, बड़ों का, बूढ़ों का ख्याल रखने को सिखाया है। सो दैट दे कुड, नहीं बल्कि यहाँ पे सो दैट होगा, तब मतलब बनेगा ताकि, सो दैट दे कुड सर्वाइव इजली, ताकि वे आसानी से जीवन गुजार सकें अपना। इट हैज टॉट अस टू बी ह्यूमैन टूवर्ड एवरी वन, ह्यूमैन का मतलब यहाँ पर है दयालु होना, मानवीय होना। उन्होंने हमें सबों के प्रति, इसने हमें, सभ्यता ने हमें सबके प्रति मानवीय होना सिखाया है।
The next question and the last question, how did the invention of fire prove to be a milestone in human progress? Milestone कहते भी मील का पत्थर साबित होना, it means कि उसकी तरक्की की राह में एक और जो है सो नहीं एक और झंडे गाड़ना, ऐसा समझो आप। तो मतलब कौन सी चीज, आग का आविष्कार जो है मनुष्य की तरक्की में एक मील का पत्थर कैसे साबित हुआ? तो बिफोर द इन्वेंशन ऑफ फायर द एंशियंट मैन हैड टू लिव हॉरिफाइंग विद वाइल्ड बीस्ट इन द जंगल। वाइल्ड बीस्ट कहते हैं जंगली जानवरों को, हॉरिफाइंग मीन्स डरावना। एंशियंट मैन यानी प्राचीन आदमी, आग के आविष्कार से पहले जो प्राचीन काल में आदमी थे, आदिमानव थे, को जंगल में जंगली जानवरों के साथ डरावना जीवन बिताना पड़ता था। दे वर सो अनसिविलाइज्ड, अनसिविलाइज्ड कहते हैं असभ्य को, यानी वो इतने असभ्य थे दैट दे यूज टू कंज्यूम द रॉ फ्लेश। रॉ फ्लेश कहते हैं कच्चा गोश्त, यानी कच्चा गोश्त, और कंज्यूम करना यानी खाना, कंज्यूम करना यानी यहाँ पे खाना। वो इतने असभ्य थे कि वो कच्चे मांस का सेवन करते थे। दे हैड टू सस्टेन इवन इन शिवरिंग कोल्ड विदाउट वार्म, बिना गर्मी के उन्हें शिवरिंग कोल्ड में रहना पड़ता था, कड़कड़ाती ठंड में। बट द इन्वेंशन ऑफ फायर प्रूव्ड टू बी अ माइलस्टोन फॉर हिम, लेकिन आग का आविष्कार उनके लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ। दैट्स ऑल फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच हमारे इस वीडियो को देखने के लिए, आपका बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों से, और वेट करें, बहुत जल्द मैं अगली वीडियो के साथ आ रहा हूँ।